बोला चुई जान, मैं गोश्त खाने आई हूँ। और मेरी ने सिंपल सा सालन बनाया है, मैं वो भी खाऊंगी। और चावल अभी पक रहा है। मैं हूँ सिम्बा, मैं भी खाने के इंतजार में बैठा हूँ। और मेरी अम्मी जान बाहर घूमने गई हैं, और हम भी खाना खाएंगे भी दिन का। मैं अभी खुशबू सूंघ रहा हूँ गोश्त का। व्यूअर्स, हमारा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और ये हमारी पड़ोसन चिल्ला रही है, इनकी आवाज़ भी आ रही है। अगर गलत बात लड़ाई झगड़ा की आवाज़ अगर आ रही हो तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ महनाज अहमद। मेरा रियल नेम तो यही है, वैसे मेरा पर्शियन और अरबिक नाम है। महनाज नहीं होता, महनाज होता है, और अहमद नहीं होता, अरबिक में अहमद होता है, पर्शियन में महनाज होता है, और अरबिक में अहमद नहीं होता, अहमद होता है, ठीक है। और ये महरीन ने बिल्कुल असम स्टाइल में, अम्मी जिस तरह हमारी बनाती थी, सिंपल सा सालन बनाया है गोश्त का, और हम भी खाएंगे। ये देखने में थोड़ा लग रहा है ज़्यादा डिश में, ऊपर से बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा आ रहा है। हमारे साथ हमारी बिल्लियाँ भी खाएंगी, उनको पहले वैसे भी खिला चुके हैं बहुत कुछ। और महरीन आ गई, इसका रेसिपी महरीन ही बताएंगे। ये बने हुए हैं पतला सा बिल्कुल स्टू, शोरबा, इसको कहते हैं शोरबा मीट। ये बड़े का गाय का गोश्त है, चिकन नहीं बनाया आज, गाय का गोश्त का बनाया है। बछिया गोश्त नहीं मिला था हमें, तो ये बीफ से बनाया है। और बिल्कुल सिंपल तरीके शोरबा बनाया जो अम्मी बनाती थी हमारी, वो रवायती खाना, बिल्कुल गर्मी के लिहाज से बहुत गर्मी कराची में, लाइट लाइट से खाना है बिल्कुल ये शोरबा। और मैं चावल अलग से बॉयल कर रही हूँ, हम लोग चावल खाते डे को, हम लोग दोपहर को चावल और सालन खाते हैं, मतलब चावल से खाते हैं हम लोग। तो इसकी रेसिपी ये है, इसको मैंने पहले गोश्त को लहसुन प्याज से भूना पहले, और पानी डाल के गला लिया था, और मसाले तमाम डाल के जो मैं डालती हूँ, गरम मसाला और ऑयल सब डाल के, फिर मैंने इसको ढक दिया हल्की आँच पे, पकते पकते ये गल गया, फिर मैं इसको भूना, फिर मैंने इसको पानी डाल के शोरबा लगा दिया, तो ये शोरबा सा बन गया। इसको हम खाएँगे, अब मज़ा आएगा। बस इसमें धनिया, आज मैं गई नहीं लाने बाज़ार, तो धनिया के पत्ते नहीं लाए मैं, कोरिएंडर लीव्स वो मैं डालना इसके ऊपर, तो वो लाई नहीं मैं, वो था नहीं मेरे पास। और मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा आदत ख़राब हो गई, जब से मैंने जॉब की थी तो मैंने खाना बनाना बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन मैं अब भी बना लेती हूँ, लेकिन मुझे चावल सही से नहीं बनता, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर लूँगी दोबारा। और सबसे अच्छी मैं चाय बनाती थी, अब वो भी थोड़ा थोड़ा भूल रही हूँ, लेकिन अब मैं दोबारा सीख रही हूँ घर में, इंशाल्लाह मैं कर लूँगी अब। हाँ, और मैं एक चीज़ बताना, और हमारी लाइट भी गई हुई है, गर्मी बहुत हो रही है, और उसमें मैंने हल्दी डाली है, येलो कलर जो आ रहा है ना, इसमें मैंने हल्दी डाली है। तो इसको बिल्कुल आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं बनाया मैंने, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है जो नॉर्मली घर में खवातीन बनाती है। बस इसमें मिर्च नहीं है, इसमें हम लोग मिर्च नहीं खाते, बस मिर्च नहीं खाते बस हम लोग, क्योंकि उससे ये बीफ पेट में तकलीफ होती है। ये चिकन नहीं, ये बीफ है, ये बीफ का सालन है शोरबा, पतला सा बिल्कुल। और आप लोग हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अपना सब इंसानों का, उसमें पड़ोसी भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, जिसको जानते हैं जिसको नहीं जानते वो भी आ जाते हैं, सारे जानवरों का, बिल्ली का ख्याल रखिएगा, और अपना भी बहुत ख्याल रखें, अपना आपको सीधे रास्ते चलाएं। जब तक लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, बाय योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।